أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 12ویں پارے کی سورہ ہود کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت متحر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور مخالفت کرنے والے، ان دونوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو. اگر صرف آدمی اندھا ہے تو اس کو راستہ بتایا جا سکتا ہے کہ دائیں طرف گھوم جاؤ، بائیں طرف گھوم جاؤ، لیکن اندھے ہونے کے ساتھ اگر وہ بہرا بھی ہو تو اس کی رہبری بہت مشکل ہے. تو ان کافروں کا حال یہی ہے، یہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. یعنی ایک اندھا ہونا یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں روشنی نہ ہو، اسے کہتے ہیں بصارت کا کھو جانا. ایک ہی ہوتا ہے آنکھوں میں روشنی ہے مگر دل اندھا ہے، دل اندھا ہے. جب دل اندھا ہوتا ہے تو آنکھوں کی روشنی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا.
ला तामल अबसार वला किन तामल क़ुलूबुल लतीफ़ सुदूर। अल्लाह कहता है खाली आँखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। तो काफिरों का अंधा होना दिल का अंधा होना था। अल्लामा इक़बाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। बीना के माने देखने वाले और नाबीना के माने न देखने वाला। दिले बीना देखने वाला दिल, मालूम है दिल भी देखता है। तो दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। आँखों में रोशनी है, ये दिल की रोशनी नहीं है। दिल रोशन होना चाहिए। तो मक्के के मुशरिक बज़ाहिर अंधे नहीं थे और बहरे भी नहीं थे, मगर क़ुरान ने कहा ये अंधे और बहरे की तरह है। यानी जैसे बहरा आदमी सुन नहीं सकता, सुनने से फ़ायदा नहीं होता, सुन ही नहीं पाता, ऐसे ये सुनते तो हैं इसके बावजूद सुनने का फ़ायदा इनको नहीं होगा। अंधा आदमी आँख से देख नहीं पाता तो इनकी आँखें तो हैं, जैसे अंधे को फ़ायदा नहीं होता न देखने की वजह से इनकी आँखें खुली है फिर भी इनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये काहे से अंधे थे, काहे से बहरे थे। ये लोग हक़ की दुश्मनी में अंधे थे, हक़ से नफ़रत में अंधे थे। यानी समझ में आ गया है मगर मानेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जानते थे कि आप सच्चे नबी हैं, सादिक भी कहते थे अमीन भी कहते थे, मगर कलमा पढ़ा तो मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? दिल में जो नफ़रत पैदा है उस नफ़रत ने अंधा कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता मोमिन क्या है, जैसे बसीर देखने वाला और जैसे समीय सुनने वाला, और दीन के मुखालिफ लोग क्या हैं, अंधे और बहरे, आमा और असम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोग सिर्फ आखिरी नबी की उम्मत में नहीं है बल्कि ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। हर नबी की उम्मत में अंधे बहरे रहे। चुनाचे सबसे पहले वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने बुतपरस्ती की इस्लाह के लिए भेजा, अकीदे की इस्लाह के लिए, वो कौन से नबी हैं? नबी कितने आए मगर हर नबी अकीदे की इस्लाह के लिए नहीं आया। अकीदे सबके ठीक थे। कान नास उम्मतम वाहिदा, लोग एक उम्मत थे, एक दीन पर थे, एक अकीदे के थे। बाद में अकीदे में खलल पैदा हुआ तो उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक। आदम की तमाम औलाद के अकीदे बिल्कुल ठीक थे, कोई बुतपरस्त नहीं, कोई सितारों का पुजारी नहीं, कोई पत्थरों की पूजा करने वाला नहीं, सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले। इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल के बाद अकीदों में ख़राबी पैदा हुई।
बुत परस्ती शुरू हो गई और पांच बड़े बड़े बुत जो बुजुर्ग थे उनके नाम पर शैतान ने बनवाए और उनकी पूजा शुरू हो गई। उनका नाम था वद, सुआ, यऊस, यऊक, नस्र, ये सब बुजुर्ग लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे। जब ये मर गए तो बड़ा गम हुआ लोगों को, तो शैतान ने कहा कि हम तुम्हें तसल्ली का सामान बताते हैं, उन बुजुर्गों की तस्वीरें बनाओ, मूर्तियाँ, पूजा उनकी न करना, उनको देखकर दिल को सुकून मिले और इबादत करने में दिल लगेगा। जब वो नस्ल ख़त्म हो गई, नई नस्ल आई, तो शैतान ने समझाया तुम्हारे बाप दादा इन्हीं की पूजा करते थे, बुत परस्ती शुरू हो गई। तो पांच बुजुर्ग थे, उन पांच बुजुर्गों के नाम पर कितने बुत बनाए गए? पांच। क्या क्या नाम था उनका? अभी बताया, भूल जाओगे, हमें पता है, किसी को याद नहीं रहेगा। सूरह नूह में है, ला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यगूस वयऊक वनसरा। नूह की कौम कहती थी छोड़ना नहीं वद को, सुआ को, यगूस को, यऊक को और नस्र, यानी इनकी पूजा करते रहना, छोड़ना नहीं। नूह चाहे जितना मना करे, करते रहना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बुस्तर परस्ती से रोकने के लिए, अकीदों को सही करने के लिए जिस नबी को भेजा, उस नबी का नाम क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नाम याद हो गए पांचों बुतों के? हैं भाई, याद हो गए ना? इनको याद हो गए शायद, याद हो गए ना? क्या नाम थे? एक तो बता दो पांच में से। हैं, यऊक, दूसरा वद, तीसरा नस्र, चौथा सुआ। तो बुत परस्ती कहाँ से शुरू हुई? बुजुर्ग परस्ती से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? बुजुर्ग परस्ती, जो बुजुर्ग लोग थे उनकी अकीदत और मोहब्बत में शैतान ने उनकी मूर्तियाँ बनवाई, पूजा शुरू हो गई। तो नूह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ला, नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की, समझाया। कितने दिन समझाया? 950 साल। अल्लाह ताला बता रहा है 950 साल समझाने के बाद भी इतने अंधे थे कि उनकी आंखें नहीं खुली। 950 साल नबी समझा रहा, नबी से ज़्यादा अच्छी तरह कोई समझा नहीं सकता। मौजिज़े दिखा रहा है नबी, उसके बाद भी समझ नहीं, इतने अंधे थे दिल के। तीन नस्लें गुजर गईं, तीन जनरेशन, मगर दीवाने दीवाने ही रहे, आंखें न खुली। ये अल्लाह क्यों बयान कर रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे और वो जालिम नहीं मानते थे, तो अल्लाह के नबी को रंज और गम होता था। तो अल्लाह ने तसल्ली के लिए
नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया कि आपने 23 साल समझाया और नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल समझाया। आपने 23 साल समझाया तो नतीजा क्या निकला, रिजल्ट। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, अय पैगम्बर आप लोगों को देखेंगे वो दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। कैसे? बड़ी कसरत के साथ लोग मुसलमान होंगे आपकी ज़िंदगी में। अखीर हज में कितने लोग थे? कितने थे? 1,24,000। नबी कितने आए? 1,24,000। ये 23 साल मेहनत का नतीजा है। नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत 950 साल। मा आमना माहू इल्ला कलील, उन पर ईमान थोड़े से लोग लाए। कुल तादाद मुफस्सिरीन ने 80 लिखी है, 40 मर्द 40 औरतें। कितने बड़े अंधे थे वो। लिहाजा ए नबी तसल्ली रखी है, ऐसे लोग हर कौम में हुए। तो दूसरे मक्के के काफिरों को भी बताना है तुम्हारी तरह अंधे लोग थे। नूह समझाते रहे, नहीं समझे, आखिर में तूफान आया और सब डिबो दिए गए। बचे ईमान वाले, बचेंगे ईमान वाले, और कुफ्र करने वाले अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होकर रहे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया इन आयतों में और फरमाया वलकद अरसलना नूहन इला कौमी ही, हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर। और नबी का काम क्या होता है? समझाना, अल्लाह से बिछड़ों को अल्लाह से मिलाना, इस्लाह करना। तो नबी सबसे पहले जो दावत देता है वो क्या दावत देता है? नमाज पढ़ो, ईमान की दावत। क्या कहा? इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ। मतलब हम तुम्हें खोल खोल करके वो चीज़ें बता रहे हैं जिनके करने से अल्लाह खुश होता है, जिनके करने से अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। और साफ साफ वो चीज़ें बता रहे हैं जिनके से न बचने की वजह से अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। धोखे में कहीं अपना नुकसान न कर लेना। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम सबको साफ साफ डराने वाला हूँ। डराने का मतलब समझे? यानी ऐसी चीज़ें खोल खोल के बताऊँगा जिनके करने से तुम्हें नजात मिले और न करने से, न करने से अजाब आएगा तुम्हारे ऊपर। फिर फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, पहली नसीहत अकीदा सही करो, इबादत न करो मगर अल्लाह की। और वो किसकी इबादत करते थे? 5 बुतों की। कौन कौन? कौन कौन? ये देखिए, इतनी जल्दी भूल गए। क्या क्या थे? अरे अपने बच्चों को बताओगे जाकर के, कैसे बताओगे, यही भूल जाओगे, इरादा ही नहीं है। तबलीग जब भी करेंगे तो बाहर वाले जाको, बाहर वालों को जाके करेंगे, घर वालों को नहीं करेंगे। अरे हर आदमी पे तबलीग फ़र्ज़ है तो अपने घर वालों को जाके बताओ, बताओगे कैसे? जब याद होगा जब ही तो बताओगे। किसकी पूजा ना करो? किसकी पूजा करते थे वो 5 बुतों की? कौन कौन बताओ? पीछे क्या देख रहे हो? अरे तुम ही बोलो। वध
सुआ यगूस यऊक नसर। ला ताबुदु इल्लल्लाह, इबादत न करो मगर अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करोगे तो अजाब को भुगतने के लिए तैयार रहो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे तो अजाब से बचोगे। साफ साफ डराया, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मैं तुम्हारे ऊपर डरता हूँ दर्दनाक दिन के अजाब से, मुझे अंदेशा है अगर तुम बाज ना आए तो दर्दनाक दिन का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। दर्दनाक दिन से मुराद बोलो क़यामत, एक कौल ये भी क़यामत। क्यों? क़यामत से ज़्यादा दर्दनाक, हौलनाक, खौफनाक कोई दिन नहीं। या अज़ाब अलीम के दिन से मुराद वो दिन है जिस दिन में कौम नूह पर तूफ़ान का अजाब आया। अरे आया नहीं आया? नूह अलैहिस्सलाम ने पहले से डराया था, नहीं माने, जो मान गए वो अजाब से बचे, जो नहीं माने वो अजाब की लपेट में आ गए। इन्नी अखाफु अलैकुम अजाब यौमिन अलीम, मैं अंदेशा रखता हूँ तुम्हारे ऊपर दर्दनाक दिन के अजाब का। सीधी सी बात थे, मान लेते, मगर वो क्या थे? अंधे और बहरे। तो जवाब किसने दिया? जो उनकी कौम के बड़े लोग थे। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, तो कहा उनकी कौम के काफिर सरदारों ने, आवाम तो सरदारों के पीछे चलती है, बड़े बड़े लीडर जो थे उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, क्या कहा? मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, तुम कह रहे हो खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी को अगर नबी बना के भेजता तो उसमें कोई खुसूसियत होती, और तुम्हारा मामला क्या, जैसे हम इंसान हैं ऐसे ही तुम भी इंसान हो, क्या फ़र्क है? कोई फरिश्ता अगर होता तो चलो भाई ठीक है, नबी है, हम नहीं देख रहे मगर तुम्हें इंसान अपने जैसा। अब अंधे थे ना, वो अक्ल के अंधे थे, जब भी उन्होंने एतराज़ किया कि नबी है और हम ही इंसान है और हम ही जैसा, अगर अक्ल के अंधे न होते तो इनकार न करते। क्यों? इंसान को सिखाने के लिए कौन होना चाहिए? जिन होना चाहिए ना, जिन अच्छी तरह इंसानों को सिखाएगा, सब भाग खड़े होंगे। फरिश्ता भी इंसान को नहीं सिखा सकता, फरिश्ता अगर अपनी असली शक्ल दिखा दे तो बोलो, अल्लाह के नबी ने सिर्फ देखा जिब्रील को असली शक्ल में, सिर्फ अकेले आपने देखा असली शक्ल में दो मर्तबा, और अल्लाह के नबी भी बेहोश हो गए, किसी नबी ने नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह नबी ने देखा, और एक मर्तबा नहीं देखा, दो मर्तबा, एक मर्तबा दुनिया में देखा, एक मर्तबा मेराज में देखा। दुनिया में जब आपने देखा तो बेहोश हो गए, जब आप देख नहीं पाए और बेहोश हो गए तो आम इंसान फरिश्ते को देख के होश में नहीं हो तो मर जाता। तो अल्लाह ने इंसान के लिए इंसान को नबी बनाया, ये अक्ल के मुताबिक है या अक्ल के ख़िलाफ़ बोलो? मगर यही उनकी समझ में नहीं आया, कह रहे हम तो तुम्हें इंसान देख रहे अपने जैसा,
फरिश्ते अगर होते तो चल भी जाता। दूसरी बात क्या कही, ओमा नराकत तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अरादिरुना बादियर राय, और हम नहीं देख रहे हैं जो आपकी पैरवी करने वाले हैं मगर हम में से गरीब हकीर कम दर्जे के लोग, बादियर राय कम अकल लोग। हम नवाब लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं, किसी बड़े आदमी ने आपका कलमा नहीं पढ़ा। आपका कलमा पढ़ने वाले गरीब फकीर मुफलिस कम दर्जे के लोग। तो इन्होंने अगर आपका नबी मान लिया तो इनके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े लोग जिसे माने वो बड़ा है। और ऐसे लोगों ने कलमा पढ़ा है आपका जिनके बराबर हम बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर शरीफों ने कलमा पढ़ा होता, ये बात जो उन्होंने कही ये बात क्या है, ये भी अक्ल के ख़िलाफ़ है। वो क्या थे, दिल के अंधे थे। इसलिए कि तारीख़ बताती है कि हक़ को कबूल करने में रुकावट, हक बात को कबूल करने में रुकावट क्या चीज़ बनती है, दौलत। दौलत जिनके पास होती है उसका नशा गुरूर तकब्बुर बेवफाई गद्दारी रिया, ये सब क्या है, अना गुरूर तकब्बुर खुदराई, ये सारे वस्फ अमीरों में पाए जाते। नबियों की दावत जिन्होंने कबूल की वो मालदार लोग नहीं थे, हमेशा गरीब लोग थे। और वो कह रहे हैं ये गरीब गुरबा ने आपका कलमा पढ़ा, अगर बड़े लोगों ने पढ़ा होता तो हम मान लेते। तो ये कम फहमी है। जो बादशाह था रूम का, उसने क्या कहा था हज़रत अबू सुफियान से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले कैसे हैं, गरीब हैं या अमीर। कहें ज़्यादातर गरीब। कहा अम्बिया की दावत को ज़्यादातर कबूल करने वाले गरीब ही हुए हैं। देखा आपने, फिरौन ने जो खुदाई का दावा किया तो क्यों किया, वो गरीब आदमी था ना, बोलो क्या था, वो कहाँ का बादशाह था। अच्छा देखा आपने, उसने कहा अलैस अली मुल्क मिस्र, के मेरे पास मिस्र की बादशाहत नहीं है, मूसा के पास क्या है। और नमरूद ने पूरे दुनिया पे हुकूमत की, और इसने भी कहा हम सबसे बड़े रब हैं। किसने कहा था, वो चले गए। वो कौन था वो दूसरा दौलतमंद जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, क्या नाम था उसका। हाँ तुम ज़रूर बोलना। अच्छा अब पूछ रहे हैं किसी और। हाँ अच्छा इन्होंने बताया, इनका इनके ऊपर आपका असर पड़ा है ना, आप बोलते हैं बार बार। तो उन्होंने कहा ये आज हम बोल दें, ये बात तो हमें मालूम है, हम क्यों पीछे रहे। तो नमरूद उसने खुदाई का दावा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनादरा किया, क्यों किया, इसलिए वो गरीब आदमी था ना। क्या वजह थी, अनाताउल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसे हुकूमत दे दी थी। तो मालूम यह हुआ कि दौलत ये हक़ के कबूल करने में रुकावट बनती है।
और ये आयब नहीं है, ये आयब है, ये कमाल नहीं है। और वो अक्ल के अंधे इसी को आयब समझ रहे हैं कि आपकी दावत को कबूल करने वाले बड़े लोग नहीं हैं बल्कि छोटे लोग हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा, मा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। बादशाह न सही, आप फरिश्ते नहीं, कम से कम आप ही के पास दौलत होती, बाग होता, वो भी तो नहीं है। आपको हमारे मुकाबले में कोई फजीलत हासिल नहीं, तो अल्लाह ने नबूवत के लिए आपको क्यों मुंतखब किया? इसका मतलब ये है कि आप भी झूठे हैं और आपके मानने वाले भी झूठे हैं। आपने दावा किया, उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। कहने लगे, मा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन, हमने तुम्हारे ऊपर कोई फजीलत नहीं देखी, हमने तुम्हारे अंदर अपने ऊपर कोई फजीलत, कोई कमाल नहीं देखा। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम समझते हैं तुम सब झूठे हो। तो नबी को जो झुठलाए वो कौन होगा? अक्ल का अंधा होगा और कान का बहरा होगा। वरना नबी का चेहरा मौजज़ा होता है और नबी की उंगली मौजज़ा होती है और नबी के पैर मौजज़ा होते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से पानी का चश्मा उबला, चांद के दो टुकड़े हुए, पैर मारा आपने ओहद पहाड़ पे, वो हिलना था ठहर गया है। देखा अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने पहली नज़र में, कहने अरफ तो अन्ना वजाऊ लई सभी वजील कद्दाम, मैं समझ गया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं। क्या कहा उन्होंने? किसने कहा? क्या नाम था उनका? हैं, ठीक से सुनो, ठीक से, इसीलिए पूछ रहे हैं हम बार बार, कोई फ़ायदा नहीं बैठने से अगर सुना नहीं। फिर क्या हुआ? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम ये कह रहे हो मेरे अंदर और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं, नबी में और आम उम्मती में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? नबी इंसान तो होता है, उसके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। दूसरी चीज़, नबी के बाद मौजज़े होते हैं, मेरे पास मौजज़ा भी है और मेरे पास वही भी आती है। अगर तुम उसके बावजूद नहीं मान रहे हो तो हम ज़बरदस्ती तुम्हें मनवा नहीं सकते। फरमाया, या कौमी अराई तुम, ऐ मेरी कौम देखो तो, इन कुन तो अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं किसी दलील पर कायम हूँ अपने रब की तरफ से, मेरे नबी होने की दलील मौजूदा मौजूद है, वातानी रहमतम मिन इंदही, और अल्लाह ने अपनी तरफ से रहमत नबूवत मुझे अता फरमाई, वही आई है, फौमियत अलैकुम, अगर तुम्हें ये फजीलत नज़र नहीं आ रही है और तुम मानने के लिए इसको तैयार नहीं हो, अनुल्ज़िमुकुमुहा वा अंतुम लहा कारिहून, क्या मैं उसको ज़बरदस्ती चिपका दूँ तुम्हारे ऊपर, मैं ज़बरदस्ती तुमसे इकरार करा लूँ हालांकि तुम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग कह रहे हो कि ये गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, अगर बड़े लोग कलमा पढ़ते तो हम भी तुम्हारी दावत कबूल कर लेते। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बड़े लोगों से, मैंने जो नबूवत का दावा किया है ये पैसा लेने के लिए नहीं किया है। बड़े लोगों के पास क्या होता है? पैसा होता है। न मैं गरीबों से पैसा मांगता हूँ, न मैं बड़े लोगों से पैसा मांगता हूँ, और मैं क्यों मांगूँ?
मेरी मजदूरी तो अल्लाह के ज़िम्मे है। क्या कहा, वया कौमिला सलुकुम अलैही माला, ऐ मेरी कौम मैं इस पर तुमसे कोई माल नहीं मांग रहा हूँ। इन अजरिया इल्ला अलल्लाह, मेरी मजदूरी तो अल्लाह के ज़िम्मे है, तो बड़े लोगों के आगे हम क्यों झुक जाएं जब हमें उनसे कुछ लेना नहीं है। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं क्या करता, बड़े लोगों से ताल्लुक़ कायम करता। हम तो हक़ को दावत देने के लिए आए हैं, जो कबूल करेगा वो मेरा है, जो कबूल नहीं करेगा वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो वो अल्लाह ताला की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं। लिहाजा ये गरीब लोग, इन्होंने हक को कबूल कर लिया, इनकी गुर्बत की वजह से तुम इनके साथ चाहे बैठो चाहे ना बैठो, ये हक परस्त लोग हैं, अल्लाह के वहाँ इनका मकाम है, लिहाजा तुम्हारी वजह से इनको अपनी मजलिस से हम भगा नहीं सकते। और अगर हमने इन गरीबों को भगा दिया तो कल अल्लाह के दरबार में हाज़िरी होगी, और ये गरीब लोग शिकायत करेंगे, ऐ अल्लाह हम गरीब थे इसलिए इन मालदारों की वजह से मुझे हटा दिया गया, तो हम क्या जवाब देंगे। ये जो बातें किसने कही, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कही थी कि ये गरीब लोग हैं, इनके बराबर हम बैठना भी पसंद नहीं करते, अगर बड़े लोग ईमान लाते तो हम ईमान ले आते। ये बातें सिर्फ नूह की कौम ने नहीं कही, ये बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में के जो बड़े बड़े काफिर थे उन्होंने भी यही बातें कही थी। याद है नहीं याद है, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा आपकी मजलिस में अबू ज़र गिफारी हैं, बिलाल हैं, अम्मार हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं, ये गरीब लोग हैं। कौन 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 कौन, बिलाल, अम्मार, अबू ज़र, साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, और इन गरीबों के बराबर हम बैठना भी पसंद नहीं करते। अगर आप इनको अपने दरबार से हटा दें तो हम आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी के दिल में ये ख़्याल आया, सहाबा तो अपने हैं ही, इनसे कह दें भाई दूसरे वक्त में तुमसे मिल लेंगे और फुला वक्त में मक्के के चौधरियों से मिल ले। हुजूर के दिल में ख्याल आया, काहे की वजह से, इसलिए नहीं ये मालदार हैं, सिर्फ इसलिए ख्याल आया कि ये चौधरी लोग हैं, ये अगर ईमान ले आएंगे तो इनकी पूरी बिरादरी भी ईमान ले आएगी, इनका फ़ायदा, इस्लाम का फ़ायदा होगा। इसलिए हुजूर ने हटाया नहीं सहाबा को, सिर्फ इतना दिल में इरादा किया कि बिलाल को, अम्मार को, और इसी तरीके से गरीब सहाबा से कह दें तुम दूसरे वक्त में आके पढ़ लिया करो और इनको दूसरे वक्त में हम पढ़ा दिया करें। कुरान की आयत नाजिल हुई, वला ततरुदिल लदीन यदउन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, ये जो मेरे गरीब बंदे आपकी मजलिस में सुबह शाम मेरा जिक्र करते हैं, अरे पैगंबर ये बड़े बड़े चौधरी ईमान लाएं या ना लाएं, मगर मेरे इन मकबूल महबूब गरीब बंदों को अपनी मजलिस से हटाइएगा नहीं। अगर अल्लाह के नबी हटा देते तो क्या होता, सहाबा का दिल टूटता, दूसरे दुनिया क्या कहती कि नबी जो है, नबी जो हैं वो अमीरों का ख्याल करते हैं,
गरीबों की कोई गिनती नहीं है नबी के वहाँ, ये नबी पर इल्ज़ाम कायम होता। तो गर्दे की यही कह रहे थे मक्के के काफिर, यही कह रहे थे नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोग। अल्लाह ने जवाब दे दिया, जो जवाब नूह का था वही जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उन्होंने क्या कहा, वमा अना बितारिदिल्लज़ीना आमनू, मैं उनको भगा नहीं सकता हूँ जो ईमान ला चुके। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ये अपने रब से मुलाकात करेंगे, अल्लाह के वहाँ इनका बड़ा मकाम है, ये शिकायत मेरी करेंगे कि ए मालिक तेरे नबी ने मुझे गुर्बत की वजह से हटा दिया था। फिर फरमाया वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन हम तुम्हें जाहिल समझते हैं, इसलिए कि गरीब होना कोई ऐब नहीं है। कोई छोटा कारोबार करना, कोई भी पेशा करना, हलाल रोजी कमाना, ये कोई ऐब नहीं है। रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, चप्पल टाकना, पंचर बनाना, हलाल रोजी तो है, शरीयत में ये कोई ऐब नहीं है। तुम इसको ऐब समझ रहे हो, इसका मतलब तुम जाहिल हो। फिर फरमाया वया कौमी मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरत्तुहुम अफला तज़क्करून, और मेरी कौम, अगर मैंने इन गरीबों को अपने दरबार से हटा दिया और अल्लाह से इन्होंने शिकायत कर दी और अल्लाह की तरफ से मेरी पकड़ हुई, तो तुम में से कोई मेरी मदद नहीं करेगा, लिहाजा मैं तुम अमीरों की वजह से इन गरीबों को हटा नहीं सकता। वला अकूल लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह, और तुम जो कह रहे हो कि तुम इंसान हो और हमी जैसे हो, तुम्हारे पास ख़जाने नहीं हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा मेरे पास ख़जाने हैं। वला अकूल लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह, और मैंने तुमसे नहीं कहा, मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। वला आलमुल गैब, और न मैंने कहा मैं गैब की बात जानता हूँ। वला अकूलु इन्नी मलक, न मैंने ये कहा मैं फरिश्ता हूँ। वला अकूलु लिल्लज़ीन तज़दरी अअयुनुकुम लयूतीहुमुल्लाहु खैरा, और न मैं कह सकता हूँ उन लोगों के बारे में जिनको तुम हकीर और जलील समझ रहे हो गुर्बत की वजह से, कि अल्लाह ताला इनको कुछ नहीं देगा, अल्लाह के वहाँ इनका कोई मकाम नहीं है, ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता। अल्लाहु आलमु बिमाफी अनफुसिहिम, अल्लाह जानता ये बज़ाहिर गरीब ज़रूर हैं मगर दिल इनके मालदार हैं। इनके दिल में क्या है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कौन जानता है। अल्लाहु आलमु बिमाफी अनफुसिहिम, अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है, और फिर भी अगर मैंने हटा दिया तो मैं ज़ालिम हूँगा अल्लाह के ताला के वहाँ। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बातें कहीं तो इन बातों का जवाब उनके पास बोलो कुछ था नहीं। जब आदमी जवाब नहीं दे पाता तो क्या करता है, खिसियानी बिल्ली क्या करती है, खम्बा रुस्त। नूह अलैहिस्सलाम तो कहने, बहुत बहस किया आपने और 950 साल हो गए तुम्हारी तकरीरें सुनते सुनते, बस भाई बहुत होगा, हम नहीं सुन पाएंगे। अब ऐसा है जो तुम कहते हो न मानने पर अजाब आएगा, वो अजाब ही ले आओ चुपचाप। क्या कहा उन्होंने, आलू या नूह कज्जा अदलता ना, ऐ नूह तुमने हमसे बहुत बहस की, फक सर तजीदा लाना, और तुमने बहुत ज़्यादा बहस की, तकरीरें तुम्हारी हमने बहुत सुन ली, अब वो सुनने की ताब नहीं है। फातिना बिमा तईदुना इन कुंता मिनस्सादिकीन, तो मेरे पास ले आओ जिसकी तुम मुझे धमकी दिया करते हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो अब अदाबी ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा कि सुनार से ये कहना कि तुम मेरी चारपाई बुन दो, किसी ने कहा है आज तक सुनार से क्या कहते हैं लोग,
हार बना दो, बूंदे बना दो, सुनार से तुम मुझसे क्या करो, अदाब ले आओ। जैसे सुनार का काम चारपाई बुनना नहीं है, ऐसे नबी का काम अजाब लाना नहीं है। नबी का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा। हमसे अजाब मांग रहे हो, तुमने हमें खुदा समझा है क्या? क्या कहा? قال انما ياتيكم به الله ان شاء عذاب میں نہیں لاؤں گا، لائے گا تمہارے اوپر عذاب اللہ اگر چاہے گا۔ اور ابھی تم مانگ رہے ہو عذاب، مگر سمجھ لو اگر آ گیا تو عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے کہ عذاب اللہ دینا چاہے اور تم کہیں بھاگ جاؤ اور پکڑ میں نہ آؤ، عذاب سے بچا لو اپنا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی مسلسل کتنے سال؟ 950 سال تک معجزے دیکھنے کے بعد، صاف صاف باتیں سننے کے بعد بھی تمہارا نہ ماننا او عذاب مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ اور اللہ اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو میری چاہے جتنی نصیحتیں ہوں ان نصیحتوں سے تمہیں فائدہ، سنیے کیا کہا نوح علیہ السلام، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے ارادہ کر رکھا ہو تمہیں گمراہ کرنے کا، ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہ الیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ کے نبی نے سنایا مکے کے کافروں کو کہ یہ نوح کے زمانے کے جو کافر تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، یہ غریب غربا آپ کے ایمان لانے والے، ان کو ہٹا دیجئے، آپ بھی ہم ہی جیسے انسان ہیں، کوئی خاص بات آپ کے اندر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نوح کی قوم یہی کرتی رہی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تم بھی اگر یہی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو مکے کے کافروں نے کیا کہا؟ یہ قصہ آپ نے گڑ لیا ہے، یہ ہے وہ نہیں، گڑ لیا ہے۔ جب انہوں نے کہا گڑ لیا تو نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب نبی کو سکھایا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ قرآن گڑ لیا، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اس سے پہلے آیتوں میں آ چکا۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا تھا یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہوگا، عربی نہیں بولو، اردو بولو۔ اگر یہ گڑھا ہوا ہے انسان کا تو تم بھی جانور نہیں ہو، انسان ہو۔ تم بھی اسی جیسی ایک صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، اپنے خداؤں سے مدد لے لو، مگر کوئی ایک صورت بھی بنا نہیں سکا۔ اس کا مطلب گڑھا ہوا نہیں تم جھوٹے ہو، انسان کا کلام ہوتا تو انسان بنا لاتا۔ یہاں انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو قصہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں ڈرانے کے لیے ہے، گیدڑ بکتی ہے، یہ حقیقت میں گڑھا ہوا ہے۔ اللہ جواب میں کیا کہہ رہا سنیے، ہم یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو گڑھ لیا؟ قل، ان سے جواب میں کہیے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اولاً تو میں نے گڑھا نہیں، اور مان لو اگر میں نے گڑھا تو میرے گڑھنے کا وبال میرے اوپر ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وانا بری مما تجرمون، اور میں نے نہیں گڑھا، اور حقیقت میں ہے کہ میں نے نہیں گڑھا، اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ گڑھا ہے، تو کون مجرم ہوا، ہم ہوئے یا تم ہوئے؟ اور تم جو مجرم ہوئے تو تمہارے جرم کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے
नहीं पूछा जाएगा बल्कि तुम ही से पूछा जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह हो गए 950 साल, समझाते समझाते लगता है कि पत्थर में जोक लगे नहीं, ये ईमान लाएंगे नहीं। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं थक गया, मैं आजिज हो गया, अब बदला ले लीजिए इनसे। रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ज़मीन पर अल्लाह किसी काफिर के एक मकान को भी न छोड़िए। मैंने इनको मजमे में समझाया, अकेले में समझाया, आहिस्ता से समझाया, ज़ोर से समझाया, रात में समझाया, दिन में समझाया, समझाने के जितने तरीके हो सकते थे सब आजमा लिए। अल्लाह अब बदला ले ली। अल्लाह की तरफ से कुरान की आयतें नाजिल हो गई। क्या नूह, बस जितने ईमान लाने वाले थे वो ला चुके, अब कोई ईमान लाएगा नहीं। अब इनसे ज़मीन को पाक करने का टाइम आ गया। नूह तूफान आएगा और उस तूफान से बचने के लिए कश्ती की ज़रूरत है, तुम कश्ती बनाओ और मेरी निगरानी में बनाओ, मेरी हिफाजत मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक बनाओ। अल्लाह कहता है वूही नूहिन अन्नहु लयूमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन, वही भेजी गई नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा आपकी कौम में से मगर वो लोग जो ईमान ला चुके। फला तब तो इस बीमा खानू या फालून, तो आप गमजदा ना होइए उनकी बातों से जो वो कर रहे हैं, ये तो मरने ही वाले हैं। वसना फुलका भी आयुनिना, और कश्ती बनाइए हमारी निगरानी में। वहीना, और हमारे तरीक़े के मुताबिक, जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे। इससे पहले दुनिया में कश्ती नहीं थी, पानी का जहाज़ नहीं था। सबसे पहले किसने बनाया? नूह अलैहिस्सलाम ने। किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। क्या कहा अल्लाह ताला ने? वला तुखातिबनी फिल लज़ीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, और ऐ नूह इन ज़ालिमों के बारे में मुझसे सिफारिश न करना, चाहे रिश्तेदार हो चाहे गैर रिश्तेदार। इन्नहुम मुग़रक़ून, ये सब डिबो दिए जाएंगे। वो यस्नउल फुल्क, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे, अब कश्ती कभी बनी भी नहीं थी और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे, और वहाँ पानी भी कहीं नहीं, तो ये ज़ालिम जब वहाँ से गुज़रते थे तो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, कहने ये क्या बना रहे हो? कहने लगे एक जहाज़ बना रहे, ऐसा घर बना रहे जो पानी में चले। कहले अच्छा, पहले नबी थे, बड़ई भी हो गए, अब बड़ई भी हो गए, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, ये कश्ती का सूखे में चलेगी? मजाक उड़ा रहे। वयस्नउल फुल्क, वो कश्ती बना रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे वो, हाँ क्या चीज, चक्की बना रहे थे, क्या बना रहे थे, कौन? नूह अलैहिस्सलाम की कौम ना। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम बना रहे थे, अच्छा सही। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही, और जब गुजरता उनके पास से कोई सरदार उनकी कौम में से, सखिरू मिन्हू, वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते? قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो, और हम कह रहे हैं कि तबाही और बर्बादी की घड़ी बिल्कुल तुम्हारे करीब है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे मुझ पे हंस रहे हो, हम तुम पे हंस रहे हो। यह मतलब ये है, तुम आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो और कल हम
तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आज तो सूखे पे कैसे चलेगी, जब तूफान आएगा तो पता चलेगा। अरे सूखे में नहीं, ये तो बहुत खतरनाक तूफान में चल रही। فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ। और ज़्यादा टाइम नहीं, अब 950 साल तो गुजर चुके हैं, अब तबाही और बर्बादी में ज़्यादा दिन नहीं है। अन करीब तुम जान लोगे, मैं आती ही अजाब, उन किस पर आता है अल्लाह का अजाब जो उसको रुसवा कर देगा। वयहिल्लु अलैहि अजाबुन मुकीम, और किस पर आता है दायमी अजाब। दायमी माने हमेशा का, हमेशा का कैसे, तूफान आया मर गए, अब अजाब ख़त्म हो गया ना। कुफ्र की हालत में जब आदमी मरा तो दुनिया के अजाब के बाद बरज़ख का अजाब, और बरज़ख के बाद फिर जहन्नम का अजाब। ये दायमी हुआ नहीं हुआ, हमेशा का दायमी अजाब। हत्ता इदा जा अमरुना व फारत तन्नूर, यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ गया, जो वक्त मुकर्रर था तबाही और बर्बादी का वो आ गया। वो फारत तन्नूर, और तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ। कैसे हैं, तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ। तन्नूर से मुराद क्या है, जिसको हम लोग तंदूर कहते हैं ना, तंदूर अरबी में उसे क्या कहते हैं, तन्नूर। तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ, उससे मुराद वही तन्नूर है जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं, जिसमें आग होती है। वहां से जब पानी निकलना शुरू हो तो समझ लेना तूफान आ गया। बाद लोगों ने कहा यह तन्नूर भी खास किस्म का था, हजरत हव्वा का था यह तन्नूर, और दूसरे के बाद वरासतन नकल होते होते नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचाई। एक दूसरे के पास आता रहा वरासत में। और बाद ने कहा तन्नूर से मुराद है ज़मीन, पूरी रूए ज़मीन, ज़मीन से पानी के चश्मे उबलना शुरू हों तो समझ लेना कि तूफान आ गया। वफारत तन्नूर, और फरमाया तन्नूर जोश मारने लगा, पानी निकलने लगा। उल नहमिल फिया मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक अलैहिल क़ौल, तो हमने कहा हजरत नूह से सवार कर लो इसमें, मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन, हर जोड़े में से दो जानवरों के, परिंदों के, जो ज़मीन में, जो पानी में ज़िंदा नहीं रहते हैं और जिनकी ज़रूरत इंसान को पड़ती है, कश्ती में ईमान वालों के साथ उन जानवरों के जोड़े भी सवार करो। जहाज़ बनाया था, कश्ती नहीं थी मामूली जहाज़, और उसमें कई दर्जे थे, जानवर भी थे और इंसान भी थे और कीड़े मकोड़े भी थे। वह अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौल, और अपने घर वालों को भी कश्ती में बिठा लो मगर जिस पर अल्लाह का हुक्म नाफिज़ हो चुका, यानी जो गैर ईमान वाला है उसको ना बिठाइएगा, चाहे वो आपकी बीवी हो। उनकी बीवी का नाम क्या था नूह अलैहिस्सलाम की, वाइला, क्या नाम था, वाइला, वो ईमान नहीं लाई। दो पैगंबरों की बीवियां ईमान नहीं लाईं, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, दूसरे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। और नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम था बोलोगे नहीं क्या, क्या बता रहे, कुनाना ही क्या होता है। बीवी का नाम तो वायला था और बेटे का नाम था याम। नूह अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, याम, साम, हाम, याफिस, याम और साम, हाम, याफिस। तो
दो साम हाम याफिस तो ईमान वाले थे, याम ईमान वाला नहीं था। इसी का लकब किनान है, इसी का लकब कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान जो था, किनान किनान उसका लकब है, उसका नाम क्या है, याम। तो वो ईमान वाला नहीं था, तो क्या फरमाया, और सवार कर लिए अपने घर वालों को, मगर जिस पर अल्लाह की बात नाफिज हो चुकी है, वमन आमना, और घर वाले नहीं जो भी ईमान ला चुका है वो कोई भी हो, चाहे वो हज्जाम हो और चाहे वो मोची हो, बड़े आदमी नहीं ईमान वाला, उसको भी कश्ती पे बिठा लीजिए। अल्लाह कहता वमा आमना माहू इल्ला कलील, और उनके साथ ईमान लाने वाले थोड़े थे। कितने थे भाई वो, कितने थोड़े, कितने 80। और ये कितने दिन तबलीग का नतीजा था, 950 साल। और अल्लाह के नबी की तबलीग का नतीजा 23 साल में क्या था, वराइत الناس يدخلون في دين الله افواجا है, ज़माना मुख्तसर, ईमान लाने वाले बहुत। यहाँ ज़माने तबलीग ज़्यादा है और ईमान लाने वाले थोड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाया गया क़यामत का मंज़र, कोई नबी है उसके साथ 2 आदमी, कोई नबी उसके साथ 3 आदमी, कोई नबी है उसके साथ कोई भी नहीं है, कोई नबी ऐसा है उसके साथ बहुत से लोग हैं। इतने में मैंने देखा एक नबी आए और उनके साथ बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा मजमा। तो मैंने पूछा ये कौन थे, कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम है, ये उनकी कौम है। आपने फरमाया हम तो समझ रहे थे मेरे उम्मती होंगे, मेरे उम्मती कहाँ। तो आपसे कहा गया नज़र उठा के देखिए, आपने दाई तरफ देखा, जहाँ तक नज़र गई मजमा ही मजमा, फिर बाई तरफ देखा जहाँ तक नज़र गई मजमा ही मजमा, फिर सामने देखा जहाँ तक नज़र गई पहाड़ों तक जैसे आसमान और ज़मीन मिले हुए मजमा, ये सब आपकी उम्मत है। इनमें से 70,000 ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे, और 70,000 में से हर 1,000 के साथ 70,000 जाएंगे। क्या आप खुश हैं, आपने फरमा बना दी। तो अल्लाह कहता है वमा आमना माहू इल्ला कलील, और उनके साथ ईमान नहीं लाए थे मगर थोड़े लोग। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा उन सबसे इरकबू फीहा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा, और खौफ न करो चाहे जितना पानी बरसे और चाहे जितना बड़ा तूफान हो, अल्लाह के नाम से है इसका चलना और अल्लाह के नाम से इसका ठहरना, अल्लाह के नाम की बरकत से कश्ती भी सलामत रहेगी, कश्ती वाले भी सलामत रहेंगे। इससे क्या पता चला, जब आदमी कश्ती का सफ़र करे तो उसको यही आयत पढ़ लेना चाहिए, इसकी बरकत से क्या होगा, खाली वही नहीं बचेगा, पूरे जहाज और कश्ती के लोग डूबने से बच जाएंगे। क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, अरे क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे भाई, हाँ क्या पढ़ना है, अरे अच्छा फिर से बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से है इसका चलना और अल्लाह के नाम से इसका ठहरना, इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, और मेरा परवरदिगार बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वो गलती हो गई, कोताही हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, बख्शने वाला। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो कश्ती उनको लेकर चल रही थी ऐसी लहरों में जो लहरें पहाड़ की तरह थी। कैसी पहाड़, बहुत छोटे छोटे से होते हैं,
पानी उछल रहा था, लहरें आ रही थी, कैसी पहाड़ की तरह। वनादा नूह इब्नहू वकाना फी माज़िली या बुनैया अरकब माना, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, वही याम किनान, और वो अलग था, कश्ती से अलग था, उसे पुकारा, या बुनैया इरकब माना, सवार हो जा हमारे साथ। क्यों कहा नूह अलैहिस्सलाम ने? इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ये समझ रहे थे शायद कि ये ईमान ले आया हो, या उन्होंने ये समझा कि जब ये हौलनाकी देखेगा पानी की तो ईमान ले आएगा। वरना अल्लाह ताला ने क्या कहा था, गैर ईमान वाले को कश्ती पे बिठाइएगा नहीं। वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों के साथ मत रहो। मगर उस पर बदनसीबी की रात मुसल्लत थी, उसका सवेरा होता ही नहीं। वो समझा जैसे सैलाब आते हैं आम तौर पर, बांध टूट जाते हैं, तूफान होते हैं, ऐसे ही कोई तूफान होगा। क्या बोला? قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, कहना अन करीब मैं पनाह ले लूँगा किसी पहाड़ पर चढ़कर, यासिमुनी मिनल मा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कितना बरसेगा पानी? नूह अलैहिस्सलाम बता रहे हैं ये आम तूफान नहीं है। قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, कहा आज के दिन अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के कहर से कोई बचाने वाला नहीं है, मगर जिस पर अल्लाह रहम करे वही बचेगा। और रहम अल्लाह का किस पर होगा? ईमान वाले पर होगा, बेईमान पर। नूह अलैहिस्सलाम की बातें अपने बेटे से हो रही थी, क्या हुआ फिर? वहाँ लबैनहुम अल-मौज फकाना मिनल मुग़रक़ीन, एक लहर दोनों के दरमियान में हायल हो गई, बाप और बेटे के दरमियान, और वो हो गया दूसरे काफिरों की तरह गर्क, गर्क होने वाले, डूबने वालों में वो भी शामिल हो गया। पानी बरसा, छः महीने तक तूफान रहा, कितने दिन? छः महीने। पहाड़ों की चोटियों पर 70-70 गज ऊंचा पानी। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा, एक औरत अपने बच्चे को लेके पहाड़ पे चढ़ी और पानी गोद तक पहुंच गया तो उसने बच्चे को कंधे पे बिठाया, जब कंधे तक आया तो उसने सर पे बिठाया, जब सर तक आया तो उसने अपने हाथों में बच्चे को पकड़ा और बुलंद कर दिया, मगर वहाँ तो कोई बच ही नहीं सकता था। इस कश्ती ने जहाँ हजरत खाने काबा है उसके साथ चक्कर लगाए, फिजा में छः महीने तक, और फिर रजब से शुरू हुआ और आशरे के दिन ये कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वकील या अर्दुम लईमा की या समाऊ वकली वकीद अलमा, और कहाँ गया है ज़मीन, अपने पानी को निगल ले। अल्लाह का हुक्म था, ज़मीन कैसे ना मानती? जो पानी उबल रहा था ज़मीन से वो एकदम से उसने सब निगल ले। वया समाऊ वकली, और अय आसमान थम जा, आसमान से पानी के दहाने जो खुले हुए थे, हुक्म थम जा। बड़ी अजीब है कुरान की आयत, ज़मीन से डायरेक्ट खिताब किया खुदा ने, जैसे नूह, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने आग से खिताब किया था, या नार, ऐ आग, ऊनी बर्दम व सलाम अला इब्राहीम, इब्राहीम के ऊपर ठंडी हो जा। यहाँ क्या कहा? या अर्ज़ु इब्लई माकी, ऐ ज़मीन अपने पानी को निगल ले। वया समाऊ अखली, और ऐ आसमान बरसने से रुक जा। वगीज़ अलमा, और पानी सूख गया। वकुदी अल अम्र, और किस्सा पूरा
हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया। वस्तवत अलल जूदी, और ठहरी कश्ती जूदी पहाड़ पर, और जूदी पहाड़ मूसल में है, और मूसल इराक में है। उस पहाड़ी पर कश्ती ठहरी और मुद्दतों तक रही। इस उम्मत के लोगों ने भी, बाद लोगों ने उस कश्ती का ढांचा देखा। वकील बोदल कौमी ज़ालिमीन, और कहा गया अल्लाह की रहमत से दूरी है ऐसे लोगों के लिए जो ज़ालिम थे और दुनिया में हमेशा हमेश के लिए दुनिया से मिट गए और हमेशा दायमी अज़ाब के मुस्तहिक हो गए। जब नूह अलैहिस्सलाम, ये तूफ़ान खाली इराक में आया, ये पूरी दुनिया में आया। मुफस्सिरीन कहते हैं पूरी दुनिया में ये तूफ़ान था। सब ख़त्म हो गए। दोबारा इंसानों की नस्ल उन्हीं से चली जो कश्ती में सवार थे, और नूह अलैहिस्सलाम के मोमिन बेटे थे, इसलिए उनको आदम सानी कहा जाता है। जब वो बच्चा नूह अलैहिस्सलाम का डूब गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा? इन अबनी मिन अहली, अल्लाह आपने कहा था हम तुम्हारे घर वालों को नजात देंगे, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। अल्लाह ने उसके जवाब में क्या कहा उसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर की जाएगी। आज इतना भी इरादा नहीं था, इसलिए कि हलक में जो है वो रह रहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद खांसी से उठ रही, खराश बहुत ज़्यादा है। दुआ कीजिए अल्लाह शिफा अता फरमाए। क्या सत्र खुले हुए वुजू कर सकते हैं? यानी पैजामे के बग़ैर वुजू, वुजू तो हो जाएगा लेकिन ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी की नज़र न पड़े, इसलिए कि यानी गुसलखाना है। क्या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम तक खा सकते हैं? अगर आप महफूज रखें उसको तो मुहर्रम तक नहीं, इस कुर्बानी से अगले साल की कुर्बानी तक खा सकते हैं आप। ये इस उम्मत के लिए ख़ास रियायत और ख़ास अल्लाह का इनाम है। पहले तो ज़माने में जब कुर्बानी होती थी तो आग आती थी और खा के जला देती थी। आपकी उम्मत में गोश्त खाने की इजाज़त रही शुरू में, मगर तीन दिन। कितने दिन? बस तीन दिन। वो गुर्बत का ज़माना था और ज़ाहिर उस ज़माने में फ्रीजर वगैरह भी नहीं थे, तो अरब लोग क्या करते थे, गोश्त को सुखाते थे पहले। आपने फरमाया एक शख्स आपके पास आया और उसके गोश्त जो है कपकपाने लगा, थर थर बिल्कुल हुजूर को देख के। आपने फरमाया सकीना इत्मीनान से रहो, मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जो सूखा हुआ गोश्त खाती थी। तशरीक़ के माने सुखाना, अय्याम तशरीक़। तो तीन दिन की इजाज़त थी, बाद में ये हुक्म भी ख़त्म हो गया और अब इजाज़त एक बकरी से दूसरी बकरी तक है, जायज़ है। अफजल क्या है? तीन हिस्से किए जाएं, एक गरीबों को, एक रिश्तेदारों को, एक अपने इस्तेमाल में। ये मुस्तहब है लेकिन जायज़। पूरा खा लेना, उन्हीं दिनों में खाओ चाहे अगले साल बकरीद तक खाते रहो, इजाज़त है बहरहाल। और सबसे अच्छा तरीक़ा महफूज रखने का क्या है? आप जो खाएंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा, जो आप सदका कर देंगे वही बचेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके घर पे एक बकरी ज़बा हुई, गोश्त सब बांट दिया गया। आपने फरमा कुछ बाकी बचा? तो कहा दस्त बाकी है, वो आपको पसंद थी अगली दस्त। आपने कहा वही नहीं बाकी है, बाकी सब पूरी बकरी बाकी। जो सदका कर दिया गया वो महफूज हो गया, सेफ हो गया, और जो खा लिया वो, तो ये तो खाली बकरीद से बकरीद तक महफूज कर सकते हैं आप फ्रीजर वगैरह में। सदका करने से क़यामत तक
महफूज कर सकते हैं। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस दरस कुरान को कबूल फरमा, इसकी बरकत से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, मुझे शिफा अता फरमा, तमाम हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा। मस्जिद अक्सा, हरमैन शरीफैन और दुनिया की तमाम मस्जिदों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा। ऐ अल्लाह, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा यह लिखा, ये उनका हम पर हक है। अल्लाह, उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, ज़ालिम यहूदियों और ईसाइयों को इबरतनाक सज़ा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु